नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रस्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार में राज्यसभा की खाली हुई सीटों पर चुनाव को लेकर राजनीति में बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, जहां हर पार्टी अपने उम्मीदवार को लेकर चिंतित है और इसके लिए राजनीति भी हो रही है। लेकिन अगर हम बात करें जेडीयू की, तो जेडीयू में एक अलग ही खेल नज़र आ रहा है, जहां अपने ही लोग आपस में भिड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जहां कह सकते हैं कि आपसी रंजिश या फिर उनके अंदर की जो रंजिश है वो साफ निकल के अब सामने आ रही है। जहां दिल्ली में आज केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह जिस तरीके से झल्लाते हुए नज़र आए थे पत्रकारों से, उनके इस झल्लाहट से साफ था कि उनकी जो सीट है जो जून में जाने वाली है, उनकी कार्यकाल, ऐसे में वो राज्यसभा जाएंगे दोबारा से या नहीं जाएंगे, इन सब बातों पर जिस तरीके से अभी अटकलें थी और इन सब बातों पर अभी भी साफ नहीं हो पाया था कि क्या एक बार फिर आरसीपी सिंह इस सीट पर जाएंगे या नहीं जाएंगे, और वो झल्ला कर ये कहते हुए नजर आए कि हम आपको क्यों बताएंगे, और उन्होंने पत्रकारों को झल्लाते हुए बहुत कुछ कहा था। वहीं अब पटना में अगर हम बात करें तो ललन सिंह ने भी इस बात पर चुप्पी साध दी है। जब ललन सिंह से ये पूछा गया कि क्या आरसीपी सिंह जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर हम बात करें किंग महेंद्र की सीट पर, तो इस पर नाम की घोषणा हो चुकी है अनिल हेगड़े की, और अनिल हेगड़े को लेकर तो उन्होंने बहुत कुछ कह दिया कि वो जेडीयू के लेके समर्पित थे, हमेशा ही उन्होंने जेडीयू के लिए सोचा है, और ये जेडीयू के लिए सम्मान की बात है कि उन्होंने अनिल हेगड़े का नाम जो है वो किंग महेंद्र की जो सीट खाली है उसके लिए नामों की घोषणा की है। लेकिन आरसीपी सिंह पर जैसे ही उन पर सवाल पूछा गया तो वो इस पर चुप्पी साध गए और ये कह गए कि मैं इस पर फैसला नहीं लूंगा, इस पर फैसला तो खुद सीएम ही लेंगे। क्या कह रहे हैं वो हम आपको पहले वो सुनाते हैं। नहीं, मणिपुर को नागालैंड तो टारगेट है ही, और नागालैंड में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। पिछला विधानसभा भी चुनाव हम लोग लड़े थे, एक सीट वहाँ जीते थे और 5.6% वोट हम लोगों को आया था, और फिर हम लोग नागालैंड में चुनाव लड़ेंगे। मणिपुर के 6 विधायक जो हमारे जीते हैं वो आज आए थे दिल्ली, वो उन्होंने हमसे मिलने की इच्छा व्यक्त की। आज सभी 6 विधायक आए थे, उनसे लंबी बातचीत हुई है। उन सभी विधायकों की ये राय है कि मणिपुर में हम लोग पार्टी को के संगठन को मजबूत करेंगे, यह संकल्प उन लोगों ने लिया है, और उसके साथ साथ उन लोगों ने ये कहा है कि मणिपुर आप आइए। हमने उनको कहा है कि जून महीने में हम मणिपुर आएंगे और पार्टी को वहाँ धारदार और मजबूत बनाने के लिए जो भी संभव प्रयास होगा करेंगे। सर, एक छोटा सा सवाल है कि हेगड़े साहब को आप लोगों ने राष्ट्रवाद दिया, देखिए कंफर्म माना जाए कि पुराने कार्यकर्ताओं को आप अहमियत दे रहे हैं? देखिए, हेगड़े साहब पार्टी के बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं और आज तक पार्टी के लिए उन्होंने समर्पण भाव से लंबे समय तक, स्वर्गीय आदरणीय जॉर्ज फर्नांडिस साहब के समय से लेके आज तक उन्होंने काम किया और कभी पार्टी से कुछ मांगा नहीं। ये हम लोगों के सर्वमान्य नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी की सोच थी कि उन्होंने एक समर्पित कार्यकर्ता को राज्यसभा भेजकर उनको सम्मान देने का निर्णय उन्होंने लिया, और इसकी जितनी जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को जितना धन्यवाद दिया जाए, उनका आभार व्यक्त किया जाए, वो कम होगा। सर, एक सीट पर आरसीपी सिंह के जगह पे कौन? आरसीपी सिंह, अब ये तो हम नहीं जानते हैं, ये हमको आपको पता होगा, लेकिन इस पर भी निर्णय जो चुनाव है इस पर आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लेंगे। जिस तरीके से ललन सिंह ने चुप्पी साध ली है, उनकी चुप्पी से कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वो भी इन मुद्दों पर नहीं बोलना चाहते हैं। जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह दिल्ली में भड़कते हुए नजर आए, कुछ ऐसा ही नजारा बिहार में भी नजर आया। दोनों ही एक दूसरे पे शांत नजर आए, जहां जब आरसीपी सिंह से पूछा गया कि क्या आपकी बात राष्ट्रीय अध्यक्ष या फिर मुख्यमंत्री से हुई है, और इसी सवाल पर वो भड़क गए थे। वहीं जब ललन सिंह से भी यही सवाल किया जाता है कि क्या आरसीपी सिंह राज्यसभा जाएंगे, तो इस पर ललन सिंह ने चुप्पी साध ली और उन्होंने भी यही कहा कि इस पर फैसला खुद सीएम नीतीश कुमार लेंगे, मैं इस पर कुछ भी नहीं बता सकता। यानी दोनों की जो झल्लाहट है वो इस ओर इशारा जरूर कर रही है कि इस बार आरसीपी सिंह की खाली हुई सीट पर बहुत बड़ा खेल देखने को मिल सकता है। आगे ऐसी खबर के लिए बने रहे हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।